Now next method is compare to. Compare to का भी again purpose क्या? Comparing two string objects like a equals method. लेकिन compare to और equals method में main difference क्या है? Equals method का return type क्या था? Boolean. Boolean के case में return क्या होता था? Either true or false. अगर दोनों string same है, then इस method से equals method से return हुआ था true, otherwise false. लेकिन equals, लेकिन अगर मैं compare to की बात करूँ, compare to के केस में इसका return type क्या है? Integer types. इस केस में return क्या होगा? Some integer numbers. इस केस में इंटीजर नंबर क्या होगा? जस्ट आपके पास टू स्ट्रिंग्स अवेलेबल है लाइक s1 और s2, इसको आप कंपेयर करें बाय यूजिंग कंपेयर टू मेथड. देन टू स्ट्रिंग कंपैरिजन में जस्ट पॉसिबल केस क्या होंगे? या तो दोनों स्ट्रिंग सेम होंगे या डिफरेंट. क्लियर? अदर पॉसिबल केस क्या होंगे? अगर दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है, मींस फर्स्ट पॉसिबल केस क्या हुआ? आइदर बोथ स्ट्रिंग कंटेंट्स आर सेम, अदरवाइज स्ट्रिंग कंटेंट्स आर डिफरेंट. अगर कंटेंट्स डिफरेंट है, देन डिफरेंट के केस में अगेन पॉसिबल केस क्या है? या तो फर्स्ट स्ट्रिंग के कंटेंट सेकंड स्ट्रिंग से स्मॉल होंगे या फर्स्ट स्ट्रिंग के कंटेंट सेकंड स्ट्रिंग से लार्जर होंगे. फॉर एग्जांपल्स अदर पॉसिबल केस क्या हुआ इन केस ऑफ डिफरेंट? आइदर स्मॉल और ग्रेटर. स्मॉल और ग्रेटर किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे? करेंट स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में. स्मॉल और ग्रेटर और वी कैन से लार्जर. फॉर एग्जाम्पल्स जस्ट मैंने स्ट्रिंग कंपेयर की लाइक ABC फर्स्ट स्ट्रिंग, इसको मैंने कंपेयर कराया बाय यूजिंग कंपेयर टू मेथड. अगर और अगर जस्ट ABC को मैं कंपेयर करता हूँ विद अगेन ABC, इस पर्टिकुलर केस में दोनों स्ट्रिंग के कंटेंट्स एग्जैक्टली कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम कंटेंट्स. अगर कंपेयर टू मेथड के केस में दोनों स्ट्रिंग के अंदर एग्जैक्टली सेम कंटेंट्स फाउंड हो रहे हैं, प्लस एक कंपैरिजन कैसा हुआ? केस सेंसिटिव. सेम कंटेंट्स होने के केस में इस मेथड से रिटर्न क्या हुआ? जीरो. क्लियर? अगर फर्स्ट स्ट्रिंग के कंटेंट सेकेंड स्ट्रिंग से स्मॉल फाउंड हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल्स ABC एंड ABC को मैंने कंपेयर कराया अगेन ABC, लेकिन सेकेंड केस में ABC के केस में A कैसा है अपर केस में, लेकिन BC कैसे है? स्मॉल लेटर्स. तो इस केस में A का कंपेरिजन किससे हुआ? A से. मीन्स एग्जैक्टली मैच हो रहा है. नेक्स्ट टाइम मैच क्या हुआ? B कंपेयर किससे हुआ? स्मॉल B से. इस B की बात करें तो B का ASCII वैल्यू क्या है? 66 और स्मॉल B का ASCII वैल्यू क्या है? 98. तो इस केस में रिटर्न क्या होगा? डिफरेंस ऑफ ASCII वैल्यू ऑफ नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स, मीन्स इससे रिटर्न क्या हुआ? आइदर ट्रू और डिफरेंस ऑफ नॉन मैचिंग कैरेक्टर और डिफरेंस ऑफ ASCII वैल्यू ऑफ नॉन मैचिंग कैरेक्टर. अगर आप 66 को 98 से सब्ट्रैक्ट करो, देन इस केस में डिफरेंस क्या आएगा? -32. मीन्स फाइनली इस केस में क्या मिलेगा? आइदर नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर. अगर नेगेटिव नंबर मिला, देन इस केस में फर्स्ट स्ट्रिंग कैसा है? स्मॉल. दूसरा पॉसिबल केस क्या है? अगेन ABC और अगर मैं स्मॉल ABC को अपर ABC से कंपेयर करता हूं लाइक दैट, इस केस में अगेन सबसे पहले स्मॉल ई मैच किस से हुआ? कैपिटल ए से. स्मॉल ए मीन्स दोनों केस में कैरेक्टर कैसे डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू ASCII वैल्यू. स्मॉल ए का ASCII वैल्यू क्या है? 97 और कैपिटल ए का ASCII वैल्यू क्या है? 65. अगेन नॉन मैचिंग कैरेक्टर फाउंड हो रहा है, इस केस में दोनों का डिफरेंस क्या है? +32. मीन्स इस केस में रिप्रेजेंट किया, अगर आप फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रिंग, मीन्स फाइनली डिफरेंस किस फॉर्म में आएगा? आइदर स्मॉलर और ग्रेटर. मीन्स फाइनली इस केस में टोटल पॉसिबल केस कितने? 3. फर्स्ट केस क्या है? आइदर सेम. अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है, देन इस मेथड से रिटर्न किया हुआ 0. अगर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग से स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू ASCII वैल्यू ऑफ नॉन मैचिंग कैरेक्टर और फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स, देन इस केस में रिटर्न क्या हुआ? नेगेटिव नंबर, अदरवाइज पॉजिटिव नंबर. देन चेक करते हैं गिवन एग्जाम्पल्स. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के रिस्पेक्ट में टोटल टू स्ट्रिंग्स क्रिएट हुए हैं. फर्स्ट वन S1, ओनली सिंगल स्ट्रिंग क्रिएट किया S1, प्लस इसके अंदर कंटेंट्स किस फॉर्म में? अपर केस के फॉर्म में. S1 के कंटेंट्स को कंपेयर टू मेथड के थ्रू कंपेयर करा विद ABC. दोनों केस में कैरेक्टर्स के केस कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम. S1 में क्या स्टोर है? ABC. कंपेयर किस हो रहा है? ABC. फर्स्ट कैरेक्टर एग्जैक्टली मैच हो रहा है, सेकेंड कैरेक्टर भी एग्जैक्टली मैच हुआ, थर्ड कैरेक्टर भी एग्जैक्टली मैच हुआ. अगर एग्जैक्ट मैच फाउंड होता है, देन इस मेथड से रिटर्न होगा 0. इन केस ऑफ सेम इट विल रिटर्न 0. देन सेकेंड केस, सेकेंड केस के रिस्पेक्ट में बात करें S1. S1 के अंदर अगेन क्या कंटेंट्स है? ABC इन द फॉर्म ऑफ अपर केस, लेकिन ये ABC कंपेयर किस हो रहा है? अगेन ABC से. तो फर्स्ट कैरेक्टर दोनों केस में कैसा? सेम. सेकेंड कैरेक्टर क्या? B मीन्स कैपिटल B.
प्लस टारगेट स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर कैसा है, स्मॉल बी, बोथ आर सेम और डिफरेंट, डिफरेंट, देन इस केस में इमीडिएटली रीड होगा डिफरेंस ऑफ आस्की वैल्यू, प्लस इस केस में आस्की वैल्यू का डिफरेंस क्या है माइनस 32, सेम इन केस ऑफ थर्ड केस, थर्ड केस में एस वन मीन्स ए बी सी को कंपेयर किससे कराया, कंटेंट्स ऑफ एस वन, और एस वन के अंदर कंटेंट्स क्या है ए बी सी, बट इन केस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ अपर केस। अगर फर्स्ट कैरेक्टर ए मैच हुआ, ए का आस्की वैल्यू क्या है 97 और कैपिटल ए का आस्की वैल्यू क्या है 65, सेम और डिफरेंट, डिफरेंट, इस केस में दोनों का डिफरेंस क्या रहा है प्लस 32, इस थर्ड प्लस 32 को क्या शो कर रहा है इस केस में फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर कंपेयर टू सेकेंड स्ट्रिंग। इस टाइप से अगर आपको ग्रेटर और स्मॉलर और सेम के रिस्पेक्ट में अगर आपको कंपेरिजन परफॉर्म कराना, देन आप यूज क्या करोगे कंपेयर टू मेथड।